हेलो लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी का एक और न्यू लाइव स्ट्रीम में। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं गाइस एक ग्रैंड फाइनल जो कि होने वाला है हमारा। आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल देख के ऑलरेडी अंदाज़ा लग गया होगा एंड कौन कौन सी टीम खेलने वाली है वो चीज़ें गाइस आप लोगों को पता चल जाएंगी अभी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो लेट्स गो। अभी टीम दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं तो मैं आप लोगों को एक बार रिजल्ट ज़रूर से दिखा दूंगा। सो अभी करंटली अपने पास जो चीज़ें हैं अपन को उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। ओके, kill.
ओके 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 हेलो 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 गाइस, हेलो, साउंड आ रहा है ना अभी प्रॉपरली? आई गेस अभी प्रॉपरली आ रहा भाई। अभी जब मैं कास्टिंग कर रहा था, किशन प्लेस भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए ब्रो। अभी तो सीन हो गया था थोड़ा सा, बट इट्स ओके राइट ना। जस्ट ये लाइव पीसी पे गेम वो करने के लिए मेरे को थोड़ा अलग से सेटअप करना पड़ा। चलो चलिए अभी ये सब बातें रखते साइड में। यहाँ पे बात करी जाए टीम नंबर 7 सिंतोनिया, यहाँ पे 5 किल 7 किल ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। यहाँ पे सेंकी डाउन, 2 बंदे बचते हुए इनकी टीम की तरफ से, नीचे बंदे आ चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स सी कौन सी टीम रहने वाली है यहाँ पे, सेंकी को फिनिश कर देंगे। UI अल्ट्रा इंस्टिक्ट स्लॉट नंबर आई गेस गाइस 9, यस बिल्कुल यहाँ पे स्लॉट नंबर 9 आ चुकी है पूरी तरीके से। एंड 2 बंदे ऊपर रहने वाले हैं एंड लेफ्ट में एक अलग से बंदा रहने वाला है, सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। बट यहाँ पे बात करी जाए पावर की तो सॉरी टाइगर की, तो टाइगर भाई ने यहाँ पे एक नॉकडाउन निकाल दिया अपनी टीम की तरफ से एंड 4 किल कर चुके हैं अभी तक। आई गेस ये गेम के MVP है टाइगर, बिकॉज अभी तक 3-3 किल हाईएस्ट है। ओके ओके जावा बॉय ने भी यहाँ पे 4 किल निकाल दिए, काफ़ी नाइस, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे बात करी जाए टीम, तो टीम यूज़ कर रही है गाइस 4+, यानी कि यहाँ पे अपना ये चारों के चारों बंदे गाइस एंड्रू यूज़ करते हुए। यहाँ पे बात करी जाए टीम नंबर 5, लेट मी चेक ये नाम क्या है इनका। ओके आरसी ऑफिशियल की लाइनअप है ये। एंड यहाँ पे गाड़ी को फोड़ दिया गया है, यहाँ पे शरद अकेले बचे हुए उनकी टीम की तरफ से। एंड फायर करना इनकी मजबूरी थी, बिकॉज आई डोंट थिंक इनके पास ज़्यादा बॉल्स होने वाले यहाँ पे। PFC TDR ओके स्लॉट नंबर थ्री यहाँ पे PFC की टीम, PFC स्टोन लोस्टेरा जो कि 5 किल कर चुके हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। एंड बात करी जाए शरद की, तो शरद ने यहाँ पे KD को फिनिश ऑफ कर दिया। यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 वी डू वेल के लास्ट प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए, एंड कितने देर बचेंगे ये देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज यहाँ पे जस्ट अगले बगल काफ़ी ज़्यादा बंदे होने वाले। आवाज़ आ रहा है ना गाइस अभी PFC की टीम, PFC ओके नाइस। चलो बात करी जाए RBZ रूल ब्रेकर्स यहाँ पे गाइस 7 किल्स कर चुकी है।
एंड ये काफ़ी तगड़ी टीम रहने वाली है कहीं ना कहीं पे। एंड बात करी जाए गाइस यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 रूल ब्रेकर्स, एंड यहाँ पे दो दो बंदे गवा चुके हैं एंड यहाँ पे टाइगर भी डाउन होते हुए, यहाँ पे पावर उनकी टीम की तरफ से अकेले बच रहे हैं। क्या पावर यहाँ पे निकल पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड लेट्स सी, ओके एक्सो का एक बंदा डाउन, एक्सो के मुन्ना डाउन, यहाँ पे फेलिक्स भी डाउन, दो बंदे डाउन कर चुके हैं। यहाँ पे ब्लंडर हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर फ्रैंकी डाउन हुए, जी हाँ फ्रैंकी डाउन हो चुके हैं। एंड अब कहीं ना कहीं यहाँ पे मुन्ना अब यूज़ करने जा रहे थे हॉरिजन जो कि इनको पहले करनी चाहिए थी, इनको ऐसा लगा कि इनका टीममेट पास में वो बचा लेगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं M60 के साथ पावर कोई मौका नहीं देते हुए। एंड यहाँ पे गाइस 1v4 कर दिया है यहाँ पे पावर ने, क्लीन 1v4 यहाँ पे पावर की तरफ से। एंड यहाँ पे टीम अल्ट्रा इंस्टिक्ट बचते हुए, एंड देख सकते हो गाइस ये लाइक्स बता रहे बैक टू बैक के, बंदे ने बढ़िया मारा है काफ़ी। एंड बात करी जाए लॉस्टेरा, यहाँ पे लॉस्टेरा के 7 किल्स हो चुके हैं, अकेले 16 बंदे ने 7 किल निकाल दिए। एंड यहाँ पे गेट कीप करने के लिए टीम तैयार, टीम PFC तैयार गेट कीप के लिए। एंड गाइस बात करी जाए यहाँ पे यूजी अंपायर के, तो यूजी अंपायर के जावा बॉय, इंसेंडियस, फोरमैन एक्स, लूफी एंड शहजादा यहाँ पे तैयार, यहाँ पे रस लगाते हुए। यहाँ पे PFC के ऊपर पहला बंदा डाउन, शहजादा डाउन होते हुए यहाँ पे लॉस्टेरा ने आई गेस ये बंदा डाउन करा है, जी हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लॉस्टेरा ने बंदा डाउन करा है। और फिनिश ऑफ भी करेंगे यहाँ पे गुरुंजा एक्स के साथ अपना 8वां किल सिक्योर करते हुए। बात करी जाए जल्लाद 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 ने यहाँ पे नॉकडाउन निकाला। एंड बात करी जाए यहाँ पे ओके सो यहाँ पे काफ़ी हेल्दी फाइट तो नहीं कहूँगा मैं, बट फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्दी फाइट ही निकली है, बिकॉज यहाँ पे अभी तक एक भी बंदा अपना गवाया नहीं है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्दी फाइट निकाली, एंड टीम रेडी हो चुकी है अगेन से, दोबारा से टीम तैयार हो चुकी है। बात करी जाए एरो आदि काकारूटो आर्नव एंड गाइस निंजा के, तो ये टीम आ चुके हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के मजे लेने। एंड यहाँ पे जल्लाद ने नॉकडाउन कर दिया काफ़ी ओपन में, यहाँ पे निंजा काफ़ी बड़ी गलती करते हुए, ब्लंडर हो सकता है इनकी टीम के लिए, बिकॉज इनकी टीम में अभी मैन टू मैन एडवांटेज कम हो चुका है। बात करी जाए बुया की, प्रबल दावेदार, सो गाइस रूल ब्रेकर्स है तैयार, एंड लेट्स सी क्या रूल ब्रेकर्स यहाँ पे। ओके यहाँ पे एरो आदि ने दे दिया है धप्पा एंड डाउन होते हुए, डबल गन यहाँ पे, बॉल लगानी चाहिए थी यहाँ पे रेटी को बट उन्होंने नहीं लगाई, आई डोंट नो वाई, बिकॉज यहाँ पे पहले से फायर तो आ रहा है, फाइट तो चली रही है। एंड इतने छोटे मैप में आपको जनरली पता चल जाता है कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं, एंड अगर फायर आ रहा हो तो फाइट हो रही हो तो ज़रूर से पता चल जाता है कि हाँ बंदा लेफ्ट राइट है। सो कहीं ना कहीं बॉल लगानी चाहिए थी यहाँ पे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे बात करी जाए काकारूटो आ चुके जोन यहाँ पे टॉप पे एंड नेड फेंकते हुए, ओके इनके टीममेट भी आ चुके हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली, बिकॉज यहाँ पे मार्को तैयार, ओके एक और प्ले डाउन। सो यहाँ पे टीम नंबर 11 की तरफ से अकेले, स्लॉट नंबर 11 HNE स्पोर्ट्स के अकेले आर्नो बचे हुए, काफ़ी प्यारा हेडशॉट एंड यहाँ पे खुद डाउन हो जाएंगे, एक डाउन करके खुद डाउन होते हुए। यहाँ पे बात करी जाए 4v3 का सिनारियो रहने वाला है, टीम रूल ब्रेकर्स वर्सेस PFC, लेट्स सी क्या होने वाला है। यहाँ पे जोन के बाहर जाते हुए मार्को, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी गलत होने वाला है, एंड डबल गन यहाँ पे खुद ही डाउन हो जाएंगे। बात करी जाए RBZ मालफोय एंड मार्को ही बचे हुए हैं अपनी टीम की तरफ से। सो कहीं ना कहीं ये इजी बुया हो सकता है PFC के लिए अगर ये बंदे दिक्कतें ना करे तो कहीं ना कहीं। एंड बात करी जाए टीम के लीडर अभी भी अलाइव है, सो मे बी चांसेस तो मैं कह सकता हूँ कि है, अभी भी फाइट गई हुई नहीं है, बिकॉज क्लचेस कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। सो लेट्स सी, ओके मस्टर्ड चार्ज करते हुए उतरने का इंतजार हो रहा था वहाँ पे, एंड कोई मौका नहीं देगी टीम पीएफसी के लॉस्टेरा ने अकेले ये गेम पे निकाले 10 किल एंड आई गेस गाइस ये टीम करती हुई 17 किल्स भूया। यहाँ पे अपनी GT की स्क्वाड भी होनी चाहिए थी, कॉल भाई होस्ट हो क्या, यस ब्रदर अभी के लिए मैं सिर्फ ये टूर्नामेंट आज का दिन ग्रैंड फाइनल में कास्टिंग कर रहा हूँ, 4 मैचेस बचे हैं जिसका एक मैच हो चुका है एंड गाइस अभी 3 मैचेस और बचे हुए हैं। बात करी जाए यहाँ पे टीम PFC की, जो काफ़ी अच्छा खेली यहाँ पे, स्पेशली लॉस्टेरा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, यहाँ पे डबल डिजिट किल निकाल के ले गया एक सिंगल बंदा, यहाँ पे 17 किल बुआ यानी कि 29 पॉइंट्स यहाँ पे टीम PFC के खाते में। बात करी जाए रूल ब्रेकर्स की, तो कहीं ना कहीं एक मैन टू मैन एडवांटेज लेके चल रही थी एट लास्ट जोन, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में पोर्टल के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत काम खराब हुआ एंड यहाँ पे टीम का बुआ छूटता हुआ। सो रूल ब्रेकर्स आइए सेकेंड पोजिशन पे विथ 9 किल्स। एंड बात करी जाए यहाँ पे स्लॉट नंबर 3
सॉरी, जो टीम थर्ड पे आई है वो है हमारी एचएन स्पोर्ट्स। एंड एचएन स्पोर्ट्स के गाइस हैं पॉइंट्स हमारे यहाँ पे 8 किल्स है एंड 8 पोजीशन पॉइंट्स एज वेल, यानी 16 पॉइंट्स है। एंड बात करी जाए टीम के सारे की, तो बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट होती हुई। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम पे। Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. तो चलो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा यहाँ पे बरमूडा। एंड ये फोर्थ मैच है गाइस, ओके 3 मैचेस और बचे हुए हैं इसको लेके, ठीक है। सो बात करी जाए यहाँ पे आरबीजेड की, तो आरबीजेड उतरते हुए यहाँ पे पीक के ऊपर, एंड पहला ही बंदा यहाँ पे डबल गन ने नॉक करा विथ मिनी यूजी, एंड सामने स्कार काफ़ी प्यारे हेडशॉट एंड काफ़ी प्यारा रिफ्लेक्शन का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे डबल गन वाइटी, ओके नाइस। सैंकी 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 सैंकी, आई गेस ये टीम सैंकी वाली टीम, ओके सिंतोनिया सिंतोनिया ऑल्सो फाइट में एंगेज हो रही है। सिंतोनिया सिंतोनिया यहाँ 2 किल निकाल चुकी है नीचे बंदा, एंड यहाँ पे ओके। सो टीम पीएफसी वर्सेस यहाँ पे आरबीजेड हो रहा था, बट यहाँ पे टीम पीएफसी के 2 बंदे मार दिए गए हैं एंड 1 किल और निकाल भी लिया गया है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है करेंटली। अब तो 2v4 होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक वो अपना एक बंदा जो इन्होंने डाउन करा वो ऑब्वियसली हील कर देंगे, एंड यस इट इज गाइज वो हील कर चुके हैं। एंड एक और बंदा डाउन होता है, मार्को डाउन होते हुए यहाँ पे, एंड मार्को कोई ना कहीं फिनिश ऑफ करा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे G18 से मार दिया गया है। बात करी जाए डबल गन की, तो काफ़ी प्यारा है यहाँ पे, कार्नेटेड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये, कार्नेटेड 3 लेवल की है, लेट मी चेक। यस बिल्कुल गाइज, जब भी यहाँ पे शॉट्स इतने आराम से कनेक्ट हो रहे हैं। M14 के साथ यहाँ पे डबल गन को बैक ऑफ लेना पड़ेगा। बात करी जाए रेटी रेटी नीचे से ऊपर आते हुए, मॉल्फी एंड मार्को अभी उतर रहे हैं, मॉल्फी एंड मार्को, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ब्लंडर हो सकता है, बिकॉज बंदे अभी उतरे हैं एंड इनके पास G18 नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि इनके पास अच्छी गन्स होने वाली है। एंड यहाँ पे पीछे ही बंदा मार्को 1v1 सिचुएशन में, डैमेज तो काफ़ी अच्छा दे दिया, बट कहीं ना कहीं हेड लगाना जरूरी था अगर डाउन चाहिए बंदा तो, एंड डाउन कर दिया है। ओके ओके, एंड यहाँ पे मालफोय भाई बहुत गलत पोजीशन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जंप करके ही काफ़ी ज़्यादा HP लूज़ कर दी, एंड यहाँ पे खुद भी डाउन होते हुए। एंड रिटी अपनी टीम की तरफ से अकेले बचे हैं। सो हारते हारते यहाँ पे फाइट जीत ली गई है कहीं ना कहीं टीम PFC ने, एंड यहाँ पे भी गाइस स्टार्टिंग में 4 किल्स ही निकाल दिए लॉस्ट एरिया ने, जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड बात करी जाए टीम स्लॉट नंबर 1 जो कि हमारी एक्सो ई-स्पोर्ट्स, तो गाइस एक्सो ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे फ्रेंकी आगे बढ़ते हुए, एंड यहाँ पे ऑलरेडी टीम सिंतोनिया थी, क्या सिंतोनिया अभी भी है? जी नहीं, सिंतोनिया आ चुकी है ऑब्जर्व विक्ट्री विथ 6 किल्स। एंड बात करी जाए हमारी एक्स्ट्रा अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट की, तो स्लॉट नंबर 9 टीम नंबर 9 गाइस, एंड इन्होंने भी 4 किल्स निकाली हैं स्टार्टिंग में। बात करी जाए स्लॉट नंबर 12, सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचा हुआ है। एंड यहाँ पे स्लॉट नंबर 11 जो कि हमारी आई गेस HNE Sports है, यस बिल्कुल HNE Sports यहाँ पे लूट कंप्लीट करती हुई। स्लॉट नंबर 8 टीम नंबर 8 यहाँ पे दोनों ही बंदे अब भी उतरे हैं। सो कहीं ना कहीं टीम क्लैश में तो फाइट हार चुकी है, बट यहाँ पे बंदे बच गए हैं, सो अभी कहीं ना कहीं रिवाइव का ज़रूर से देखेंगे। बात करी जाए यहाँ पे UG अंपायर की, तो 3 बंदे का यहाँ पे पोचिनोक एंड 1 बंदा फैक्ट्री के ऊपर।
एंड यहाँ बात करी जाए स्लॉट नंबर 4 THL डेमोन लाउड एलेक्स रेडी एंड THL स्मोक. सो गाइस ये टीम होने वाली है टीम नंबर 4 हमारी THL ई-स्पोर्ट्स. एंड बबात करी जाए PFC की तो 7 किल्स निकाल चुकी है एंड कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस अपने सातवें आसमान पे. एंड पिछला ही मैच भूया भी करा है सो होपफुली ये टीम टेबल टॉप पे हो. लेट मी चेक, अगर जैसे रिजल्ट आता है देन मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगा अगर ये टीम टेबल टॉप पे रहती है तो. बाकी गेम साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा मैं एक बार जरूर से चेकआउट कर लेता हूँ. एंड बात करी जाए PFC की तो ओके गेम साउंड आ रहा है, इस गेम साउंड वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है. टीम एक्सो कसाना ओके PFC पीक फैक्ट्री आ चुकी है एक और टीम ओके. एंड यूजी जो कि रोटेट हो गए गाइस यहाँ पे जा चुकी है अपने पीक के ऊपर ओके. सो PFC वर्सेस यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को एक फाइट देखने के लिए मिल सकती है PFC वर्सेस यूजी. लेट्स सी कैसी फाइट होने वाली है यहाँ पे. टीम अनग्रेजुएट गेमर यहाँ पे अर्सेनल ओपन करा है सो आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने वाले बंदों को एक एडवांटेज है कि भाई अर्सेनल ओपन हुई है अगर वो देख लेते हैं सो उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज होने वाला है. अगर उनको पता चल जाता है कि अर्सेनल ओपन हुई है बट कहीं ना कहीं रेंज में तो स्लॉट नंबर ओके PFC स्टोन ने देख लिया कि भाई अर्सेनल हमारी अर्सेनल कोई और ओपन करके जा रहा एंड बंदा भी आगे आ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर की जा चुकी होगी अब उनके टीममेट्स की तरफ टीममेट के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी होगी. एंड यहाँ पे ऑलरेडी ओके रिस्पांस कितने बंदों का है भाई ओके अभी भी लूट ही रहे हैं जबकि बंदे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं. यहाँ पे स्टोन अकेले लड़ते हुए इनकी टीम की तरफ से एंड स्टोन यहाँ पे थोड़ा बैक जाते हुए. बात करी जाए जल्लाद तो जल्लाद अभी भी ऑफलाइन यहाँ पे एंड एक नॉक फिनिश लेके यहाँ पे खुद भी नॉक होते हुए रोनी. बात करी जाए लुटेरा की तो लुटेरा यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए बिकॉज सामने तीन बंदे होने वाले एंड इनके टीममेट भी आ गए. काफ़ी प्यारा नॉकडाउन यहाँ पे सेल्फी लेने की कोशिश एंड आई गेस हो भी जाएंगे नहीं हो पाए बिकॉज बंदे ने जैसे ही गन स्विच करा एंड तुरंत फिनिश ऑफ ले लिया एक और बंदे को. बात करी जाए यहाँ पे इंसेंडियस की तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा हेडशॉट एंड एक बंदा ऑफलाइन मिल रहा है सो प्यार से वो किल भी कन्फर्म करी जाएगी. एंड बात करी जाए रोनी एंड लुटेरा यहाँ पे फिर से रिवाइव हो चुके हैं एंड अब ट्राई करेंगे जरूर से कहीं ना कहीं अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का. एंड ये फाइट में इन्होंने 4 बंदे गवाए एंड इनको मिले खाली एक किल. सो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है बिकॉज सिंगल किल कंफर्म कराए इस फाइट में एंड अभी लूट के लिए भी टीम को देखना पड़ेगा. सो बात करी जाए टीम THL ई स्पोर्ट्स की तो अभी यहाँ पे गाइस ये पोचिनो के ऊपर है एंड स्टिल डैडी को मे भी कोई बंदा दिखा होगा बिकॉज ये इतने जोन के बाहर स्पोर्टिंग कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेयर जरूर होगा डैट्स वाई बिकॉज इतने जोन के बाहर कोई क्या ही मतलब बंदे में भी बहुत रेयर चांसेस है कि इतने जोन के बाद कोई बंदे बाहर रहे. एंड बात करी जाए टीम सिंटोनिया यहाँ पे तैयार 11 किल्स कंफर्म कर चुके हैं टीम नंबर 7 सिंटोनिया एंड काफ़ी अच्छे पोजीशन में यहाँ पे. बात करी जाए अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट की तो लास्ट प्लेयर बचे हुए यहाँ पे पावर एंड पावर को भी आई गेस डैमेज पड़ा एंड यस इट इज यहाँ पे यूजी ने फिनिश ऑफ कर दिया पावर को भी. सो RBZ टीम रूल ब्रेकर्स वर्सेस यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजी हो सकता है गाइस. टीम रूल ब्रेकर्स वर्सेस यूजी हो सकता है जी हाँ बिल्कुल हो चुका है स्टार्ट हो चुकी है फाइट. इनके मॉल्फी को स्पॉट कर लिया गया एंड कहीं ना कहीं मॉल्फी ट्राई करेंगे परमानेंट कवर लेने का. जी हाँ बिल्कुल परमानेंट कवर ले लिया गया एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है टीममेट्स के साथ एंड कहीं ना कहीं ये शॉट्स आ रहे हैं मोको के तो ज़रूर कहीं ना कहीं स्नाइपर्स का ही हाथ होगा बिकॉज इनके टीम पे खाली स्नाइपर ने ही मोको लगाया ओके. स्वाइगस पोर्टल की शेयरिंग हुई है यहाँ पे ताकि यस बिल्कुल गाइस देख सकते हो आप लोग पोर्टल की शेयरिंग हुई है बिकॉज यहाँ पे टीम चाहती है जैसे ही नॉक हो अपन मतलब बंदे बाकी बंदे गाइस यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे ठीक है जो कि अभी इस मेटा पे गाइस काफ़ी ज़्यादा वर्क भी कर रही है ये सारी चीज़ें. बात करी जाए यूजी एम्पायर की तो वो फाइट में कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए एंड टीम अपना शांति से जोन की तरफ मूव ऑन करती हुई. बात करी जाए टीम सिंटोनिया ऑलरेडी बीमा शक्ति पे है एंड जोन में है सो कहीं ना कहीं ओके
यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ है जिसपे मोको आ रही है, लेट्स सी। पोर्टल लगाने की कोशिश की जा रही है रोनित के द्वारा, एंड रोनित यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस करने का जरूर से ट्राई करेंगे। बिल्कुल काफी वुड पे करके शॉट्स मिस हुए हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में 123 का डैमेज आ चुका है। एंड यहाँ पे रिटर्न से बैक जाते हुए दो बंदे बैक गए, एंड थर्ड अब यहाँ पे एलेक्स एंगल लेते हुए, ओके 132 नाइस। कहीं ना कहीं ये डाउन जरूर देना चाहिए एलेक्स को, लेट्स सी ना। पीक तो नहीं आ रही गाइस, पीक तो नहीं आ रही, लेट्स सी। यहाँ पे अपने अभिजीत को यहाँ पे रिवाइव कर दिया अपने टीममेट को, एंड अब कहीं ना कहीं गाइस ये फाइट अगेन से पिकअप करी जाएगी। बात करी जाए टीम नंबर 8 गोल्डन साइल एच जी पी यूस एंड टे एफ गोल्डन गाइस यहाँ पे प्लांटेशन पे आ चुके हैं। एंड ये टीम अगर ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं सिंथोनिया एंड अदर टीम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज थर्ड पार्टी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड बात करी जाए गाइस अनग्रेजुएट गेमर यूजी एम्पायर, सो गाइस यहाँ पे टीम नंबर 6 ऑलरेडी यहाँ पे 9 किल्स कर चुकी है, एंड अभी अभी इंसिडियस हील होकर उतर रहे हैं। बात करी जाए टीम नंबर 4 तो आउट ऑफ द जोन ही फाइट पिक करी जा रही है अभी तक, ओके। एंड एक बंदा स्पॉट भी कर रखा है, सो लेट्स सी स्मोक अपने आप को हील करते हुए। एंड यहाँ पे स्मोक नॉकडाउन हो चुके हैं, सामने से एम ए टू भी चलती हुई बैक टू बैक, एंड वॉल्स भी फोड़ी जाएगी, ओके। सो टीम कसाना होने वाली है गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे यूजी शहजादा ने भी एक बंदे को फिनिश ऑफ कर दिया है। सो टीम यूजी एम्पायर आ चुकी है गाइस यहाँ पे फैक्ट्री के सॉरी भीमा शक्ति के ऊपर, ओके ओके। डैमेज तो काफ़ी अच्छा दे रखा है, बट यहाँ पे ग्लूवर्स में फंस चुके हैं खुद ही, एंड सजादा को यहाँ पे मारना काफी ज्यादा आसान होने वाला है, ओके ओके ओके। तुरंत वॉल लगा ली गई है, ठीक है यहाँ पे फिर से वॉल लगा ली गई है, एंड सजादा अपनी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए हैं। बात करी जाए टीम का साना यहाँ पे ऑलरेडी तैयार गेट कीप करने के लिए। बात करी जाए गाइस यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 एक्सो ई स्पोर्ट्स वर्सेस यहाँ पे एसएन ई स्पोर्ट्स, कहीं ना कहीं फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, एंड एक्सो के लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं, ओके। सो ये आई गेस पहले ही बढ़ चुके हैं, सो निकलते हुए यहाँ से, एंड एक्सो ने एच जी पी एस को भी फिनिश ऑफ कर दिया है। एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 खत्म होती हुई पूरी तरीके से, यहाँ पे एक्सो के खाते में यहाँ पे 4 किल्स, एंड टीम नंबर 8 को कर दिया है वाइप आउट। बात करी जाए काफ़ी प्यारे हेडशॉट्स, बट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पिक देने की वजह से यहाँ पे डाउन होते हुए, एंड दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, एंड अब ये कहीं ना कहीं ब्लंडर साबित हो सकता है सब पीछे की तरफ पे ड्रैकी आती हुई। सो मे बी ये फ्री का किल इजी किल हो सकता है बिकॉज वो सोलो बंदा है। बात करी जाए पीएफसी की तो पीएफसी अगेन तैयार भीमा शक्ति के ऊपर यहाँ पे, एंड इस फाइट के बीच में यहाँ पे सिंथोनिया अभी भी आउट ऑफ द जोन, सिंथोनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। पीएफसी स्टोन को नॉक करा गया, फिनिश भी कर लिया गया यहाँ पे, एंड पिछले मैच जिस टीम ने बुया करा गाइस वो टीम यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करती हुई, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी जोन के बाहर है लॉस्टेरा, एंड यहाँ पे जोन भी नहीं बना है यहाँ पे रोनी काइजन के ऊपर। सो मे बी ओके अब नहीं कट रहा जोन, ओके काफ़ी गलत पोजीशन पे अगर एक भी बंदा देखता है तो यहाँ पे इनका बचना तो नामुमकिन ही है। एंड यहाँ पे गाड़ी से बंदे उड़ाए जा रहे हैं, पूरा ड्रोन व्यू मिल रहा है गाइस यहाँ पे, ओके डाउन पड़ा है 35, ओके। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट स्नाइपर से किल तो कंफर्म कर लिया गया है, बट क्या बचेंगे नहीं बचेंगे ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाली है, ओके एक और किल मिल सकता है, नॉक पड़ा है बंदा, डैमेज भी आ रहा है कंटिन्यूसली। अब नहीं अब नहीं अब नहीं, यहाँ पे हिटमैन ने देख लिया और कोई मौका नहीं। बात करी जाए टीम कसाना, यहाँ पे दो प्लेयर्स हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे कसाना, ओके कसाना सेल्फी हो चुके हैं 123 नाइस। आई गेस यहाँ पे हिटमैन के लिए लेना आसान होगा इस बंदे को, बिकॉज ऑलरेडी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, ओके। फिर भी यहाँ पे बैक टू बैक नेट्स फेंके जा रहे हैं, एंड भाई बंदे पे कितने सारे नेट्स हैं, एंड आई गेस एक भी नेट कनेक्ट नहीं हुआ, सो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बात करी जाए ताहिर यहाँ पे रिटर्न से रिवाइव होके उतरते हुए, एंड यहाँ पे टीम सिंथोनिया के लास्ट प्लेयर रोनित बचे हुए हैं जो कि अभी फिनिश ऑफ कहीं ना कहीं हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, रोनित को भी फिनिश ऑफ कर दिया गया है, सो यहाँ पे टीम सिंथोनिया भी फिनिश ऑफ होती हुई। एंड बात करी जाए एक्सो की, तो एक्सो की तरफ से यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं फ्रेंकी, एंड ये जोन में है, सो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें कम अभी फिलहाल के लिए। बात करी जाए रूल ब्रेकर्स वर्सेस यहाँ पे गाइस कसाना, रूल ब्रेकर्स वर्सेस टीम कसाना, लेट्स सी
ओके रेटी डाउन, मार्को यहाँ पे बैक टू बैक डाउन निकाल रहे हैं, मार्को मार्को की बात की जाए यहाँ पे, ओके M249X में भी, ओके यस बिल्कुल M249X, बिकॉज M24 काफ़ी बंदे प्रीफर नहीं करते चलाना, M249X हो तो ज़रूर प्रीफर करते काफ़ी ढेर सारे बंदे चलाना। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है गाइस एक सिंगल सोलो प्लेयर, बाकी चार प्लेयर्स यहाँ पे टीम कसाना के। एंड जोन थोड़ा सा ओपन टेरिटरी पे मे भी ऊपर का फायदा, एडवांटेज है, जी हाँ बिल्कुल एडवांटेज है यहाँ पे टीम रूल ब्रेकर्स के पास। सो लेट्स सी क्या बुया कर पाती है यहाँ पे टीम कसाना या फिर नहीं, बिकॉज एक ही सोलो प्लेयर है एंड मैं जरूर से चेकआउट करना चाहूँगा वो सोलो प्लेयर कौन है। ओके सो वो सोलो प्लेयर है कैसे यहाँ पे काका रूटो। सो अगर ये राइट से दो तीन बंदे डाउन निकालते हैं, RVZ के एक दो भी प्लेयर्स डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज होने वाला है टीम कसाने के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे रस लगा दिया गया है, काकारोटो को पहले ही फिनिश ऑफ कर दिया गया एंड अब होने वाली है गाइस पोर्टल लगा के आ चुके बंदे राइट में, अब होने वाली है 4v4 की फाइट। कसाना यहाँ पे तैयार, 131 एंड 60 का डैमेज ऑलरेडी दे चुके हैं एंड हेड नहीं दिख रहा, जोन निकल जाना चाहिए ना। हाँ हाँ कसाना यहाँ पे नॉक होते हुए एंड कसाना को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, अब कोई भी ओरिजिनल नहीं रहने वाली आई गैस। ओके सामने से रस आ चुका है, जितने भी थ्रू बेल से सबका इस्तेमाल करा जा रहा है लास्ट जोन पे यहाँ पे। ओके रेडी ने काफी अच्छा हेडशॉट मारा ग्रोंजा से। आप बात करी जाए डबल गन वाइट टी, डबल गन वाइट टी ने यहाँ पे बस्टर चार्ज करिए, एक कनेक्ट दूसरे बस्टर पे डाउन निकाल दिया है बंदे को एंड कहीं ना कहीं फिनिश लेंगे, जरूर फिनिश ऑफ लेंगे। 4v2 का सिनेरियो रहने वाला है, एक और बंदा डाउन एंड गाइस यहाँ पे इजी बुया निकाल ली है हमारी टीम RVZ रूल ब्रेकर्स का यहाँ पे फोर्थ मैच में बूया। हेलो कोल भाई, जस्ट सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड वेट वेट। Free Fire India is set in a virtual world. बढ़ते हैं अपने मैच नंबर 5 की तरफ जो कि होने वाला हमारा कलारी का एंड यहाँ पे
एक सेकंड गेम साउंड बढ़ा लूं। ब्राइट विविड ओके सो लेट्स सी एंड फाइट्स दिखाते हैं गाइस अभी यहाँ पे एक्सो की फाइट होती हुई। ओके मुन्ना के सामने बंदा हेडशॉट तो काफी प्यारा बट यहाँ पे M1917 से यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया ट्रोगन वाले बंदे को। तो कहीं ना कहीं गाइस दिक्कत तो होने वाली है टीम को। दो किल फिनिश ऑफ कर चुके, दो बंदे बचे हुए हैं। आई के सामने वाली टीम के भी दो ही बंदे होंगे बिकॉज अगर यहाँ पे तीन या चार बंदे होते तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बैक टू बैक वॉल छोड़ी जा रही है सामने वाले बंदे पे। ट्रोगन तो थी गाइस, ट्रोगन तो थी गॉड आई गेस आई मैंने ध्यान नहीं दिया, सो सॉरी फॉर दैट। कौन सी टीम है ये देखना पड़ेगा मेरे को। ओके यहाँ पे सो पावर ने एक बंदा नॉक करा है एंड यहाँ पे पतलू ने भी एक बंदा नॉक करा है एंड यूजी जी हाँ बिल्कुल गाइस यहाँ पे टीम यूजी अंपायर ने फिनिश ऑफ कर दिया है एक्सो ईस्पोर्ट्स को। यहाँ पे अर्ली एलिमिनेट करा है, सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम एक्सो ईस्पोर्ट्स। बात करी जाए सिंटोनिया की तो यहाँ पे सिंटोनिया की लास्ट एलेक्स यहाँ पे अकेले सर्वाइव करते हुए। एंड स्टील फाइट ली जा रही है यहाँ पे एंड टाइगर ने भी एक और बंदा नॉक डाउन कर दिया। सो चार बंदे तो गाइस चार किल्स खाते में आ चुके स्टार्टिंग में टीम अल्ट्रा इंस्टिक के। एंड बात करी जाए यहाँ पे नोबिता की तो अकेले बचे हुए उनकी टीम की तरफ से एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोन रिच पे फाइट हार चुकी है टीम एंड उतरते हुए यहाँ पे स्टोन रिच के थोड़ा सा आगे मे बी टोकन से रिवाइव करने का देखेंगे पहले बिकॉज अगर अभी बैठते हैं तो रिस्क कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाला बिकॉज कमांड पोस्ट से टीम पहुँच सकते हैं किसी भी वक्त। एंड बात करी जाए यूजी ने निकाल लिए हैं गाइस टू किल्स एंड आगे बढ़ते हुए टीम यूजी एम्पायर। ओके सो स्लॉट नंबर 8 गाइस यहां पर रोटेशन लगा रही है काउंसिल हॉल से कन्फाइनमेंट की तरफ जो कि होने वाला है ब्लू जोन। एंड रिजल्ट आई गेस अभी तक नहीं मिला। ओके नहीं मिला गाइस अभी तक रिजल्ट ही नहीं मिला वरना आप लोगों को दिखाता कि कौन सी टीम से कितने पॉइंट है। साहिल पीयूष यहाँ पे ओके क्या ब्लू जोन कोई टीम नहीं आरबीजेड आ चुकी है यहाँ पे आरबीजेड के अकेले डबल गन वाइटी बचे हुए हैं जो कि रिवाइव हुए जस्ट अभी एंड इनको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अपने दोनों प्लेयर्स उठाने में बिकॉज द मेज पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई टीम नहीं होने वाली है। बात करें जाए यहाँ पे गोल्डन तो गोल्डन हो चुके हैं नॉकडाउन गोल्डन को कर दिया जाएगा फिनिश। साहिल के ऊपर बंदा क्या साहिल यहाँ पे ये नॉकडाउन निकाल पाएंगे 1v1 यहाँ पे साहिल का बंदे आप वुड बैकर यूज कर रहा क्लोज रेंज पे ये थोड़ा देखने वाली बात रहेगी बिकॉज यहाँ पे ओके बैकअप के लिए टीम आ चुकी है 51 का बहुत प्यारा सा हेडशॉट। इनके भी टीममेट आते हुए गोल्डन यहाँ पे आते हुए अपने टीममेट को कवर देने के लिए। बात करी जाए साहिल एंड गोल्डन जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। ओके सर टोकन लेके यहाँ पे हील कर रहे हैं गोल्डन ने हील बट गोल्डन हील नहीं कर पाए यहाँ पे। ओके बहुत प्यारा नॉकडाउन बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हील कर लेते वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था यहाँ पे। बात करी जाए टीम कसाना यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाल चुके 6 किल्स एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं कसाना के पास होने वाली डबल स्नाइपर। ओके सो एक मिल चुके एक और कहीं ना कहीं जरूर से मिल जाएगी। यहाँ पे लॉस्ट टेरा एंड टीम PFC यहाँ पे हो चुके तैयार। THL की बात की जाए तो THL फाइट ले रही है टीम गाइस अपनी टीम नंबर 9 से जो कि होने वाली अपनी अल्ट्रा इंस्टिक्ट। ओके सो उनका एक प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिया है एंड इंस्टेंटली रिवाइव भी मिल चुका है उनको जो कि होने वाले पतलू। ओके सो यहाँ पे एनी प्लेयर वन ने स्पॉट कर लिया कि बंदे इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं एक डाउन निकाल सकते हैं बिकॉज बंदे सीधा आ रहे हैं एंड उनको पता नहीं है कि यहाँ पे बंदा है। ओके सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैक मिस होता हुआ कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नेड से ट्राई कर रहे हैं एक नॉकडाउन निकालने का बिकॉज लोकेशन तो ऑलरेडी रिवील हो चुकी है बट नेड पहुंचा नहीं वहाँ तक। बात करी जाए पतलू अगर अपनी लूट को दोबारा से ले लेते तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सामने वालों को। एंड बंदे को वुडपेकर मिल चुके जो कि काफ़ी अच्छी बात है 66 का डैमेज भी दे दिया है एंड इनको अभी कवर की ज़रूरत है। बात करी जाए यहाँ पे प्लेयर की तो यहाँ पे प्लेयर कवर देते हुए एंड बाकी टीम का भी यहाँ पे बैकअप आता हुआ। बात करी जाए टाइगर ने भी नॉकडाउन निकाल लिया है एंड गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम THL फिनिश ऑफ होती हुई। एट 10th पोजीशन यहाँ पे टीम THL फिनिश ऑफ होती हुई। बात करी जाए स्लॉट 12 तनिक्स अर्सी NMR स्कैरी एंड न्यूक्लियर यहाँ पे काफ़ी प्यारा हेडशॉट रश करा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल रश करा जाएगा सामने वाला बंदा ग्लिच यूज कर रहा है अगर RG50 वगैरह हो तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकते हैं यहाँ पे। अर्सी अगर पीछे से देख ले तो बंदा ज़रूर से दिख जाएगा थोड़ा सा आगे जाके अगर देखें तो
एंड कहने की कार्नेटेड 3 लेवल की होने वाली है, जी नहीं कार्नेटेड विदाउट चिप है, सो ये थोड़ी दिक्कतों की बात है इसके लिए। विदाउट चिप कार्नेटेड आपको खुद से शॉर्ट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट लगेगा कहीं पे भी नहीं। एंड स्टिल बंदा बैग जा रहा है एंड आई गेस गाइज ये बंदा ओके स्लॉट नंबर 11 HN Esports के काका रूटो HN Esports के यहाँ पे अकेले आर्नव बचे हुए उनकी टीम की तरफ से। एंड निंजा के स्टार्टिंग में हो चुके 4 किल एंड टीम के ओवरऑल 6 किल्स हैं यहाँ पे हमारे 5th मैच कलहारी के ऊपर। एंड बात करें जाए डबल गन वाइट यहाँ पे उठा चुके अपने एक और बंदे को, रिवाइव कर दिया इन्होंने। एंड दो बंदे अभी भी इनके डेड ही रहने वाले हैं, सो उनकी सांसें नहीं चल रही, देखते कब तक उनकी सांसें चलवाते हैं यहाँ पे ये। एंड यहाँ पे एलेक्स अकेले बचते हुए, एंड अभी यहीं पे एक टीम थी स्लॉट नंबर 12, एलेक्स कहीं ना कहीं अभी ज़रूर से रिवाइव दे देंगे इनके टीममेट को। ओके ये टीम काफ़ी ज़्यादा क्लोज यहाँ पे एलेक्स के, सो एलेक्स यहाँ पे रिटर्न से पीछे जा चुके, कोई भी गलती नहीं करना चाहते। एक और अगर टैप करते जरूर से टोकन मिल जाएगा। बात करी जाए यूजी, यहाँ पे यूजी एम्पायर आ चुकी है एंड यहाँ पे यूजी वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ओके यहाँ पे नॉक करा गया, फिनिश भी कर लिया गया है यूजी जावा बॉय को, नॉक डाउन करा गया है। बात करी जाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तो प्राइस अकेले पावर एंड यहाँ पे प्लेयर 1 बचे हुए इनकी टीम की तरफ से, एंड प्लेयर 1 रिटर्न से कन्फाइनमेंट जा रहे हैं जो कि ब्लू जोन था। एंड मे बी पावर के पास टोकन है बिकॉज ये वेंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, सो जरूर से टोकन होगा इनके पास भी। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जावा बॉय, ओके टीम कसाना भी आ चुकी है यहाँ पे, एंड टीम कसाना ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया इनके 3 बंदे जो कि जावा बॉय को रिवाइव मिला है, सो अकेले यहाँ पे सेफ जा रहे हैं। बात करी जाए टीम कसाना इस मैच में काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार है गाइस यहाँ पे बुया के लिए बिकॉज टीम के पास प्रॉपर लूट है। एंड बात करी जाए पोजिशन तो कर सकते हैं भैया, कोई भी टीम कर सकती है, अभी तो नहीं कह सकते ऐसा, बट लूट के हिसाब से तो काफ़ी सही लूट है बिकॉज स्नाइपर के पास भी डबल स्नाइपर है उनके, एंड आप सबको पता है कसाना कैसी स्नैपिंग करते हैं। बात करें जाए यहाँ पे टीम नंबर 5 जो कि होने वाली है गाइस हमारी यहाँ पे गॉड शरद नोबिता सीजर एंड अश्वत्थामा, यहाँ पे रस लगा दिया गया है नोबिता की तरफ से, रस कर दिया गया है पीछे से आते हुए, ओके एक डाउन एंड यहाँ पे बीच में घुसने का नतीजा यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता हुआ टीम नंबर 12 यहाँ पे 10 किल्स कर चुकी है यहाँ पे टीम नंबर 12 तनिष अर्सी एनएमआर स्केरी एंड यहाँ पे न्यूक्लियर टीम पोटेंशियल ई-स्पोर्ट्स टीम नंबर 12 टीम पोटेंशियल ई-स्पोर्ट्स। बात करी जाए आर्नव यहाँ पे अपने बंदों को रिवाइव करते हुए। बात की जाए RBZ मार्को यहाँ पे अकेले बचे हुए इनकी टीम की तरफ से एंड स्टार्टिंग से ये टीम अभी स्ट्रगल ही कर रही है बैक टू बैक, पिछले टीम जिस टीम ने पूजा करा यहाँ पे स्ट्रगल करती हुई। बात करी जाए यूजी यहाँ पे रिटर्न से अपने सारे प्लेयर्स को रिवाइव कर चुकी है एंड एक डिसेंट लेवल ऑफ लूट भी यहाँ पे मिल चुकी है बंदों को। एंड जिस तरफ जाओ, ओके जाओ बॉय आई गेस सेफ है अभी। बात करी जाए लॉस्टर यहाँ पे एक बंदे को नॉक डाउन करेंगे विथ SVD, ओके किल भी कंफर्म कर लेंगे, जी हाँ बिल्कुल किल भी कंफर्म कर लेंगे SVD भाई के साथ यहाँ पे। एंड बात करी जाए ठाकुर हिटमैन OS ताहिर एंड कसाना यहाँ पे आ चुके हैं, सो यहाँ पे ऑलरेडी टीम UG है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे गाइस फाइट होने वाले, कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 प्लेयर्स UG अंपायर के होने वाले, जी हाँ बिल्कुल गाइस 3 प्लेयर होने वाले। एंड बात करी जाए कसाना ताहिर हिटमैन ठाकुर, सो अगर ये बंदे नीचे ही रहने वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं देख लिया है, ओके स्पॉट कर लिया गया इनको, 1 लेवल की वेस्ट है सामने। जी हाँ बिल्कुल 1 लेवल की बेस्ट है यहाँ पे शहदादा के पास। बात करी जाए NCDS यहाँ पे तैयार, ऊपर से अगर बंदे चढ़ते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जाओ वो यहाँ पे पीछे से आते हुए अपनी टीम को कवर देने के लिए एंड सजादा यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बात करी जाए यहाँ पे शॉर्ट रेंज ना होने की वजह से यहाँ पे लूफी भी डाउन होते हुए। बात करी जाए यहाँ पे 3 बंदे ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे, क्या जावा बॉय आएंगे या निकल जाएंगे? जी हाँ गाइज निकल जाएंगे, समझदारी दिखाएंगे यहाँ पे सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जावा बॉय गलती नहीं करते हुए।
बात करी जाए यहाँ पे टीम पीएफसी की, तो पीएफसी के 3 किल ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई गेस ये टीम जाना जरूर प्रीफर करेगी, मे बी 10 अब। एंड अभी के लिए 10 अब पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है यहाँ पे टीम कसाना ने। एंड गाइज रिजल्ट आ चुका है, 4 मैच के बाद के स्टैंडिंग्स आ चुके गाइज। ओके यहाँ पे कसाना, ओके सो यहाँ पे राइट से आई गेस ये शॉट्स लिए गए हैं, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कसाना को रिवाइव मिल पाएगा। जी नहीं, नहीं मिल पाएगा बिकॉज यहाँ पे अपोनेंट प्लेयर के पास यहाँ पे कहीं ना कहीं स्नाइपर वाली स्किल्स होने वाली, जिसकी वजह से ये डाउन होते हुए यहाँ पे। एंड हिटमैन यहाँ पे तैयार, हिटमैन पावर पावर, एंड यहाँ पे एक फ्री का किल मिल रहा है आई गेस गाइस, इनको फ्री का किल मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एनी प्लेयर वन के सामने एक बंदा विथ UMP ओनली एंड 45, ओके 48 का अलग से डैमेज दे दिया गया है। ओके सो टाइगर ने यहाँ पे नॉकडाउन निकाला है एंड टाइगर के पास भी यहाँ पे डबल एमएच2 भी होने वाली है, सो ये एडवांटेज हो सकता है टीम के लिए। बात करी जाए ठाकुर एफ एफ हिटमैन एंड कसाना को रिटर्न से रिवाइव मिल चुका है, जाओ वो यहाँ पे उनकी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए एंड कहीं ना कहीं पोजिशन निकालने की कोशिश की जा रही है। काफी सही जगह छुपे हुए हैं यहाँ पे जावा बॉय। ओके 123 आउट ऑफ द रेंज, रेंज के बाहर। आरबीजेड मार्को जो कि उनकी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए हैं टीम रूल ब्रेकर से एंड वो अभी गाइस जोन में आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी क्या जोन में पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। जी हाँ टैप करेंगे एंड आई गेस एक बंदे को जरूर से रिवाइव करेंगे इनके टीम के। ओके दो बंदों को रिवाइव कर दिया इन्होंने, क्या इनको लूट मिल पाएगी? लूट मिलना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी टीम काफ़ी सारे कंपाउंड होल्ड करके बैठी हुई है। बात करें जाए आरनफ जो कि उनकी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए पोजिशन निकालते हुए अपनी टीम के लिए, आरनफ यहाँ पे पोजिशन निकालते हुए इनकी टीम के लिए एंड अगर बाई चांस किसी बंदे ने देख लिया तो यहाँ पे आरनफ का बचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा कहीं ना कहीं। बात करी जाए पावर 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 पावर, ओके सो यहाँ पे मार्को को डाउन तो कर दिया गया है। बात करी जाए रेटी जो कि इनकी टीम की तरफ से अकेले बचे हुए, टीम रूल ब्रेकर से रेटी अकेले बचे हुए एंड आई गेस ट्राई तो कर रहे हैं पोजीशन निकालने की, बट यहाँ पे काफी टफ होने वाला बिकॉज जस्ट नीचे उनके एक टीम होने वाली जो कि होने वाली टीम PFC। का शॉट काफी प्यारा हेडशॉट यहाँ पे 123 अगेन लेफ्ट से डैमेज आ रहा है यहाँ पे जल्लाद को, टायर नॉकडाउन हो चुके हैं। एंड बात करी जाए टीम का साना की तो काफी ज्यादा किल्स है यहाँ पे ऑलरेडी, टीम 19 किल्स कर चुकी है, टीम के खाते में ऑलरेडी 19 किल्स आ चुके हैं एंड स्टिल 11 बंदे अलाइव है, सो लेट्स सी और कितने किल्स निकाल पाती है एंड क्या बुआ निकाल पाती है। यहाँ पे टाइगर ने नॉकडाउन कर दिया है, उड़ता हुआ पक्षी के गाइस यहाँ पे पंख काट दी गई, काट दिए गए यहाँ पे MH2 भी से। ओके हाँ यहाँ पे ठाकुर यहाँ पे डाउन होते हुए पोर्टल लगाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पे आई गेस रस आता हुआ, नहीं जी नहीं यहाँ पे ताहिर ने भी पोर्टल लगा लिया एंड ताहिर कहीं ना कहीं सेफ एरिया पे आते हुए बट ऑलरेडी स्पॉटेड है, सो बचना तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है बिकॉज यहाँ पे 4 प्लेयर्स के बीच में घिरे हुए एंड जी हाँ बिल्कुल रस लगा दिया गया है यहाँ पे एंड बिल्कुल डाउन भी करा जाएगा। बात करी जाए टीम अल्ट्रा इंस्ट्रिक की, तो अल्ट्रा इंस्ट्रिक की ऑलरेडी हो चुके 17 किल्स। ओके एंड यहाँ पे ये मैच भी क्या बुआ कर सकती है पीएफसी, बट नहीं पीएफसी के यहाँ पे दो दो प्लेयर्स नॉक है, अगर ये दो प्लेयर्स को रिवाइव मिलता है देन कहीं ना कहीं एडवांटेज होने वाला है। बात करी जाए रोनी तो जो कि फिनिश ऑफ हो चुके हैं, लोस्टेरा को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है अगेन से एंड लोस्टेरा यहाँ पे विद बस्टर रेडी तो थे बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पतलू ने डाउन कर दिया। बात करी जाए टाइगर की तो काफ़ी अच्छे शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टाइगर एंड टीम फिनिश ऑफ भी हो चुकी है, सो यहाँ पे 2v1v1 का सिनारियो रहने वाला है। यहाँ पे अकेले बचे हुए जावा बॉय, जावा बॉय के साथ यहाँ पे जावा बॉय ने लगा दिया है रस एंड 27 का डैमेज दिया है, काफ़ी प्यारे हेडशॉट यहाँ पे बंदे पे हॉरिज लाइन आई गेस इनको पता चल गया होगा, बट यहाँ पे स्कैरी ने एक बंदा नॉक करा है। ओके फिनिश ऑफ तो कर दिया उनको बट इनको इनका किल फिनिश नहीं कर पाए यहाँ पे, सो कहीं ना कहीं बस्टर वर्सेस ट्रोगन, बस्टर वर्सेस यहाँ पे ट्रोगन एंड एक और बंदे पे आई गेस बस्टर है
नहीं, एक और बंदे पे ट्रोगर रहेंगे टीम के एंड कहीं ना कहीं गलती नहीं करेंगे। एंड बात करी जाए टीम अल्ट्रा इंस्टिक की, तो गाइस यहां पे 22 किल्स के साथ यहां पे बुआ करती हुई टीम अल्ट्रा इंस्टिक। एंड कहीं ना कहीं 7 पे थे 46 पॉइंट्स के साथ, एंड कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा ऊपर आ जाएंगे यहां पे बस 34 पॉइंट्स, यानी कि इनको सीधा जंप 80 पॉइंट्स पे। सो कहीं ना कहीं अभी टेबल टॉप की लड़ाई में ये भी शामिल होते हुए। बढ़ते अपने लास्ट मैच की तरफ जो कि होने वाला है हमारे परगेटरी का मैच नंबर 6। एंड गाइस इस बार रिजल्ट मैच नंबर 5 की स्टैंडिंग्स काफी अर्ली आ चुकी है। एंड टीम यहां पे पोटेंशियल ईस्पोर्ट्स व्हीकल्स का यूज कर रही है टू गेट किल्स आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक किल कर चुकी है ऑलरेडी टीम। बात करी जाए टीम नंबर 11 जो कि होने वाली हमारी एचएन ईस्पोर्ट्स आर्नव ककरुटो आदि एंड निंजा। ओके सो बात करी जाए आरबीजेड की, तो आरबीजेड अभी टेबल टॉप पे चल रही है। एंड मैं आप लोगों को एक बार रिजल्ट जरूर से दिखा देता हूँ। एक सेकंड, जस्ट वेट, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा आई गेस डाउनलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में दे सकते हो तो जरा डॉक्यूमेंट में दे दो ना मेरे को रिजल्ट। सेव करना पड़ेगा। हाँ चलो कोई नहीं, कर लिया मैंने, नो इश्यूज। कोल भाई क्या लगता है कौन जीतेगा ग्रैंड फाइनल? अरे ब्रो 99 रूल ब्रेकर्स तो टेबल टॉप पे थी, बट यहाँ पे पीएफसी भी काफी क्लोज आ चुकी है। अल्ट्रा इंस्टिक ने भी पिछला ही मैच भूया करा है विद 22 किल्स, सो कह नहीं सकते। बट मैं आप लोगों को जरूर से रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग। एक सेकंड आपकी स्क्रीन पे दे देना मैं, एंड ये देख सकते हो आप लोग रिजल्ट गाइस।
सो यहाँ पे रूल ब्रेकर्स, रूल ब्रेकर्स गाइस यहाँ पे 99 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे टेबल टॉप पे। पीएफसी की बात की जाए तो पीएफसी विद 93 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स की लीड है रूल ब्रेकर्स के पास। बट कहीं ना कहीं अगर ये गेम ख़राब करती है यहाँ पे, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए रूल ब्रेकर्स, अगर गलती करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात करी जाए पीएफसी 93 पॉइंट्स के साथ सेकंड, बात करी जाए कसाना 84 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, एंड अल्ट्रा डिस्ट्रिक्ट जो कि पिछले मैच भुया करी है, अगर ये मैच भी भुया करती है वैसा ही कुछ 20 और 22 किल्स के साथ, तो कहीं ना कहीं चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि ये टीम भी टेबल टॉप कर सकती है। तो बढ़ते अपने मैच की तरफ, एंड बात करी जाए लास्ट गेम में यहाँ पे ऑलरेडी दो टीम्स ने बैक कर दिया था, एंड अभी भी ये टीम में एट स्टार्टिंग यहाँ पे पीएफसी एलिमिनेट हो चुकी है गाइस, बॉटम ऑफ द टेबल पीएफसी एलिमिनेट हो चुकी है। सो पीएफसी के तो लग गए, पीएफसी के कहीं ना कहीं यहाँ पे बेचारों ने पात दिया लास्ट मैच में, कहीं ना कहीं पीएफसी के तो गाइस काफी बुरा हुआ पीएफसी के साथ, बिकॉज काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, 93 पॉइंट्स कर चुकी थी ऑलरेडी टीम, एंड लास्ट मैच मोए मोए हो गया इनके साथ। सो देखते हैं अभी पीएफसी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग रहा है बिकॉज बंदे मेहनत करे, एंड यहाँ पे लास्ट गेम थोड़ा ख़राब कर दिया बिकॉज, एंड अभी यहाँ पे मे बी टॉप 3 टॉप 4 हो सकते हैं बिकॉज 96 पॉइंट्स होंगे आई गेस। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। बात करी जाए यहाँ पे टीम सिंतोनिया तैयार, यहाँ पे सिंतोनिया के इस मैच में हो चुके गए 7 किल्स, एंड ओवरऑल बात करी जाए टीम सिंतोनिया के कुछ खास परफॉर्मेंस आए नहीं है, 53 पॉइंट्स है। सो अगर ये टीम भुया करती भी है तो काफ़ी लेस चांसेस है कि ये टीम टॉप 4 में भी आ पाए, बट फिर भी अगर ज़्यादा किल्स ज़्यादा नंबर ऑफ किल्स के साथ भुया करती है देन डेफिनेटली चांस है कि टॉप 4 कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकती है ये टीम, 53 पॉइंट्स थे इनके। एंड बात करी जाए प्लॉट नंबर 5, क्या टीम का नाम क्या है ये वंस, एंड यहाँ पे टीम कसाना के ठाकुर ने यहाँ पे एक नॉकडाउन निकाला है। बात करते हैं हिटमैन की तो हिटमैन यहाँ पे दूर हो चुके हैं ऑलरेडी अपनी टीम से, एंड इनको जरूर से फिनिश ऑफ करा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आरबीजेड वर्सेस यहाँ पे रूल ब्रेकर्स वर्सेस यहाँ पे कसाना, जो दोनों ही टीम टेबल टॉप पे काफ़ी आगे, एंड अगर कसाना यहाँ पे रूल ब्रेकर्स को फिनिश ऑफ कर देती है बट इसका जस्ट अपोजिट हो चुका है बिकॉज रूल ब्रेकर्स ने कोई भी मौका नहीं दिया है, एंड जरूर यहाँ पे टेबल टॉप चाहते कि मेंटेन रहे। यहाँ पे आरबीजेड ओके डबल गन वाइटिंग यहाँ पे मार रहे हैं, बैक टू बैक शॉट्स तो कनेक्ट करे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बट निकलने में कामयाब हो जाएंगे हिटमैन। ट्राई करेंगे कि जल्दी से अपने बंदों को रिवाइव दिया जाए एंड बचाया जाए उनको, बिकॉज अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी और देर करी बात करी जाए राइट भी बंदा यहाँ पे हिटमैन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, यहाँ पे हिटमैन भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सो टीम कसारा भी अर्ली एलिमिनेट हो चुके हैं 84 पॉइंट्स पे, यहाँ पे टीम कसाना के थे जो कि थर्ड पोजीशन पे चल रही थी, एंड दोनों ही टीम टॉप 2 एंड टॉप 3 वाली टीम यहाँ पे अर्ली एलिमिनेट हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ते हुए यहाँ पे पोटेंशियल ईस्पोर्ट्स एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए कि वो टॉप 4 में आ सकते हैं। बात करें जाए HN ईस्पोर्ट्स वर्सेस यहाँ पे आरबीजेड हो चुका है गाइस, सॉरी यूजी वर्सेस यहाँ पे आरबीजेड हो चुका है, एंड इतनी जल्दी टीम वाइप, ओके आरबीजेड के लास्ट प्लेयर बचे आए गाइस, नहीं ओके आरबीजेड नहीं थी ये टीम, सो सॉरी फॉर दैट गाइस, ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर कि कौन सी टीम थी बाय द वे, बट काफ़ी जल्दी फाइट खत्म हो गई तो मेरे को नाम भी पढ़ने का मौका नहीं मिला है। ओके ओके मैं लाइव बैक करके भी चेक कर रहा तो टीम का नाम नहीं सो रहा। बात करें जाए एरो यहाँ पे HN स्पोर्ट्स के, तो HN स्पोर्ट्स के वी डू वेल, HN स्पोर्ट्स के 60 पॉइंट्स है, HN स्पोर्ट्स के पास भी चांसेस है अगर काफ़ी 20 या 20 अबो अगर बुया करते हैं फील्ड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं गाइस चांसेस है कि टॉप 4 ये टीम जरूर से कर सकते हैं, बिकॉज टीम कसाना अर्ली एलिमिनेट हुई है 87-88 में भी पॉइंट्स होंगे उनके, या 90 भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे 30 पॉइंट्स यहाँ पे सिक्योर करती है HN स्पोर्ट्स तो जरूर से टॉप 4 में आ जाएगी। सो कहीं ना कहीं ये अब एक टारगेट मिल चुका है टीम्स को कि किल्स के साथ काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ किल्स के साथ भुया करें एंड टेबल टॉप करें गाइस। ओके बात करी जाए यूजी वर्सेस यहाँ पे टीम सिंतोनिया, ओके साइकिल के क्या काफ़ी प्यारे शॉट्स यहाँ पे ट्रोगन के। बात करी जाए राइट से भी बैक टू बैक डैमेज आ रहा है,
चैंकी को यहाँ पे अंदर जा चुके हैं। बात करी जाए रोनित, रोनित के ऊपर दो दो बंदे चढ़ते हुए, आई गेस एक बंदा डाउन है। ओके तो शहजादा ने यहाँ पे डाउन कर दिया है एंड सैंकी भी डाउन हो जाएंगे। बात करी जाए अभिजीत जो किंग की टीम सिंतुना के अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। फोर मैन लूफी, शहजादा, इंसीडियस, जावा बॉय यहाँ पे। बात करी जाए आरसी ऑफिशियल, आरसी ऑफिशियल की तो ये भी आ चुके हैं एंड ये कहीं ना कहीं जरूर से अगर इनको फायर आएगा देन ये जरूर से फाइट में एंगेज होंगे। एंड अभी तक नीचे एक भी बंदे ने स्पॉट नहीं करा कि भाई नीचे बंदे हैं नहीं हैं। सो आई गेस करना चाहिए इनको, अगर करते हैं देन डेफिनेटली ओके। सो आरसी सीजर ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया कि भाई फाइट हो रही है एंड यहाँ पे डैमेज भी दिया जा चुका है। सो ये फाइट तो स्टार्ट हो चुकी है अगेन 82, ओके नाइस, इंसीडियस को नॉकडाउन निकाल दिया गया है। फिनिश ऑफ भी जरूर से कर लेंगे। बात करी जाए शहजादा तो शहजादा भी फंसे हुए हैं। यूजी एम्पायर भी 56 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे टॉप 7 पे थी एंड अगर टॉप 2 एंड टॉप 3 वाली टीम एलिमिनेट हुई है देन काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये टीम और आगे आ सकती है। बात करी जाए अल्ट्रा इंस्टिक्ट की तो यहाँ पे ये भी लूट के आगे आते हुए धीरे धीरे एंड आगे ही फाइट हो रही है। यूजी यूजी यहाँ पे रिटर्न से हीलो के उतरते हुए। बात करी जाए जावा बॉय की तो बंदे उतर रहे हैं, काफ़ी प्यारा हेडशॉट यहाँ पे। अश्वत्थामा नॉकआउट हो चुके हैं उनके टीम की तरफ से, एक और बंदा आ रहा है एंड यहाँ पे अगर ये खुद डाउन नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो किल जरूर से सिक्योर कर लेते जो कि इन्होंने डाउन करा है अश्वत्थामा को एंड वो यहाँ पे फिनिश नहीं आएंगे। जी नहीं आएंगे, अश्वत्थामा अभी अभी हील हो चुके हैं एंड अब ये फाइट होने वाली है, प्रॉपर 4v4 फाइट होने वाली है। ओके तो यहाँ पे जावा बॉय डाउन हो चुके हैं जो कि हील हुए थे। बात करी जाए शरद की तो शरद ने यहाँ पे रस लगा दिया है एंड बैक टू बैक रिसोर्सेज के यूज़ करे जा रहे हैं। एमोस ट्रोगन लॉन्चर मोड करके फेंकी जा रही है एंड शहजादा नॉकडाउन है स्टिल। बात करी जाए फोर मैन लूफी तो बचना यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नोबिता काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे बट यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुद को हील अप करेंगे एंड ओके। सो ये इन्हीं के टीम से फाइट ले रहे हैं, मतलब कोई अलग टीम से फाइट ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टीम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी आ चुकी है एंड ओके। सो ये नीचे ओके सो ये लोअर ब्राइजीरिया पे ये टीम में। बात करी जाए एनसीडीएस की तो बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज आप तीन तीन बंदों को चकमा दे के निकलना आसान नहीं रहने वाला है यहाँ पे एंड आरसी स्पोर्ट्स ने अभी तक स्पॉट नहीं कराया बंदे को। ओके वो निकल भी चुके हैं यहाँ पे ओके सो ये तो एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है राइट में। भाई ये तो आग में धूल झोंक के भागा गया है, ऐसा सीन होने वाला कहीं ना कहीं। ओके 36 39 डैमेज से काम नहीं चल पाएगा, डैमेज से काम नहीं चल पाएगा एंड यहाँ पे नोबिता फिनिश ऑफ करते हुए एंड नाउ आरसी वर्सेस यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिक्ट। अगर यहाँ पे आरसी ने एलिमिनेट करा अल्ट्रा इंस्टिक्ट को तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर ये भी गुड नंबर ऑफ किल्स के साथ भुजा करते हैं तो आरसी स्पोर्ट्स यहाँ पे 31 पॉइंट्स है सो मे बी टॉप 7 टॉप 8 पोजिशन एक्वायर कर लेंगे या टॉप 5 भी आ सकते हैं, टॉप 4 या टॉप 4 तो काफ़ी ज़्यादा टफ है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 85 प्लस पॉइंट्स करने होंगे इनको एंड इनके 31 ही पॉइंट्स है। सो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से तो इम्पॉसिबल है कि अभी ये टीम टॉप 4 या टॉप 3 कर ले बट जरूर यहाँ पे टॉप 6 टॉप 5 कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे टीम खेल रही है अभी। ओके अभिजीत यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बात करी जाए एलेक्स की भी काफ़ी लो हेल्थ है एंड यहाँ पे शरत ने यहाँ पे इनको भी कोई मौका नहीं दिया। टीम आरसी ऑफिशियल ऐसा गेम कहाँ तक था, अभी कहाँ पे था भाई, कहाँ छुपा के रखा था ऐसा गेम प्ले। अभी ये गेम पे यहाँ पे तबाही मचाते हुए लास्ट गेम पे यहाँ पे 10 किल कर चुकी है ये टीम। बात करी जाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तो यहाँ पे पतलू डाउन है, पावर यहाँ पे रिवाइव करने गए बट यहाँ पे रिवाइव नहीं कर पाए एंड अभी ये टीम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की खाली 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं तो ये टीम को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज इनको भी पॉइंट्स चाहिए गाइस, इनको भी पॉइंट्स चाहिए। अगर इनके 97 या 98 पॉइंट्स नहीं होते हैं देन ये बीट नहीं कर पाएंगे पीएफसी को एंड टेबल पे टॉप 2 नहीं आ पाएंगे। तो जरूर से यहाँ पे टाइगर की पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छी पोजीशन निकाली जाए। बात करी जाए RBZ रूल ब्रेकर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन ले चुके हैं एंड ओके नीचे से स्नाइपर्स के शॉट। एच एन ई स्पोर्ट्स वर्सेज यहाँ पे रूल ब्रेकर्स, लेट्स सी गाइस। ओ माई गॉड काफ़ी प्यारे हेडशॉट यहाँ पे निंजा के एंड यहाँ पे जरूर से टीम वाले रस करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी स्नाइपर ने अपना काम कर दिया यहाँ पे। रसर्स की बारी है, आर्नव यहाँ पे
राइट से डैमेज आ रहा है, राइट से फाइट नहीं ली जा सकती, आर्नब को समझना होगा ये चीज। जोन के सेंटर से फाइट ली जाए एंड जरूर ले रहे रस, रस आता हुआ। बात करी जाए निंजा की तो निंजा लेफ्ट कवर देने आ गए, अगर ये राइट कवर देने जाते जन कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज होता, बट हम देख सकते हैं प्लेयर्स को, बाकी ये तो नहीं देख सकते। एंड बात करी जाए यहाँ पे निंजा के, सो अभी थोड़े बहुत शॉट्स मिस कर रहे हैं एंड कवर भी नहीं है परमानेंट, अब जा रहे परमानेंट कवर पे एंड कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट रेंज पे काम खराब करा एंड काफ़ी अच्छा संभाला भी यहाँ पे रूल ब्रेकर्स ने। जैसे जैसे बंदे डाउन में फटाफट हील करा एंड जिनकी एचपी पूरी थी वही बंदे आगे रश करने गए, बाकी बंदे थोड़ा बैकअप लेके यहाँ पे हील करते हुए खुद को। बात करी जाए गॉड सरत यहाँ पे डाउन होते हुए एंड टीम आरसी स्पोर्ट्स आ चुकी है, टीम आरसी स्पोर्ट्स के भी खाली दो ही प्लेयर्स बचे हुए एंड 3v2v1 का सिनारियो रहने वाला है यहाँ पे टीम RBZ रूल ब्रेकर्स के लिए। बात करी जाए बैक टू बैक शॉट कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, डबल गन यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। बात करी जाए रेटी की तो रेटी गलत, बहुत गलत पोजीशन पे यहाँ पे रेटी। ओके नाइस नाइस, टाइगर ने यहाँ पे क्लोज रेंज पे तो मार दिया। रेटी की बात की जाए तो रेटी को जोन जाना पड़ेगा एंड अब लॉन्च पैड का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यहाँ पे बाई चांस देख लेते हैं। देख लिया देख लिया देख लिया, यस देख लिया, बिल्कुल देख लिया गाइस। 130 नाइस, यूज़ करा जाएगा बिल्कुल यूज़ करा जाएगा, एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करेंगे एंड बंदा बैक जा रहा, वो सारी पोजीशन आ रही। क्लोज रेंज पे थोड़ा टफ हो सकता है कहीं ना कहीं, बिकॉज क्लोज रेंज पे स्नाइपर्स के दो दो शॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे रेटी को अगर मारना है, सॉरी टाइगर को अगर मारना है लास्ट वाले प्लेयर को। तो ओके 80 का डैमेज आ रहा है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ओपन हो चुके हैं, अगर दो तीन शॉट मिस करते बस्टर के रेटी तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी प्यारा स्विच भाई साहब टाइगर ब्रो, टाइगर ब्रो यू आर जस्ट नॉट ओपी ब्रो, भाई क्या प्लेयर हो भाई तुम, बढ़िया मारा भाई, नाइस यार। अकेले बंदे ने भाई, अकेले स्नाइपर ने एट लास्ट जोन क्लोज रेंज वाले बंदों को मारा एंड लास्ट में भाई ये चीज़ गन बदली एंड देन मारा है बंदों को बाइजन एंड उससे, एंड क्या स्विच था यार लास्ट में यारो, बहुत प्यारा पावर भाई। सारे बंदे एक बार पावर ओपी लगा दो यारो, क्या मारा है बंदे ने लास्ट में। एंड इनकी टीम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ चुकी है भाई, अकेला बंदा बचा था जब मैंने देखा इसको, भाई अकेला बंदा बचा एंड घूम घूम के भाई ने कर दिया है बुईया, क्या बात है भाई। इधर इधर उधर, मतलब जब मैं देखा ये गाड़ी लेके ब्राज़ीलिया वाले ब्रिज के नीचे था, ठीक है, वहाँ से इस बंदे ने बुईया निकाला है और किल्स भी निकाले हैं अपनी टीम के लिए। सो भाई ये टीम तो डिज़र्व करती है एंड 19 पॉइंट्स आए इनके, इससे पहले 80 पॉइंट थे, देखते हैं अभी PFC के कितने पॉइंट आए। सो ज़रूर से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। एंड बात करी जाए यहाँ पे अर्ली बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हुई है यहाँ पे हमारी टीम PFC जिनके एक पॉइंट है खाली। सो यहाँ पे गाइस इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे 80 प्लस 19 आई गेस, यस बिल्कुल 12 और 7 19 पॉइंट एंड यहाँ पे टॉप 2 कर लिए गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, नाइस। बात करी जाए यहाँ पे कसाना टीम, कसाना 3-5 पॉइंट्स ये गेम पे एंड 89 पॉइंट्स। RBZ टेबल टॉप पे थी, RBZ टेबल टॉप पे रहेगी एंड लास्ट गेम में बंदों ने निकाला गया 15 पॉइंट्स यहाँ पे। बात करी जाए HNE स्पोर्ट्स की तो 4 किल कर चुकी है एंड टीम आते हुए फोर्थ पोजीशन पे। बात करी जाए टीम नंबर 5 सिंटोनिया, आई गेस रिजल्ट आ गया, जी नहीं अभी तो स्क्रीनशॉट गया, सो रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। पावर भाई ओपी से भी ओपी गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे अकेला बंदा सोलो भाई, अगर ये टीम टॉप 2 कर रही है ना तो ये टीम टॉप 2 अभी इस लास्ट गेम के हिसाब से बता रहा हूँ, ये टीम टॉप 2 कर रही है पावर की वजह से, बिकॉज अकेला सॉरी टाइगर की वजह से। भाई टाइगर और पावर में बहुत कन्फ्यूजन है मेरे को, आई डोंट नो वाई, सॉरी फॉर डैट गाइज, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ना कि इनकी टीम में पावर ही स्नाइपिंग करता है, ऐसा मेरे मतलब बैक ऑफ द माइंड ऐसा है और स्नाइपर यूज़ करेंगे तो बार बार पावर आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए टाइगर भाई। रिजल्ट
वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, लेट्स सी, जैसे रिजल्ट आता है आप लोगों को जरूर से दिखा जाएगा एंड दिखा के ही जाएंगे यार, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर ये फोर्थ या फिफ्थ मैच रहता देन मैं डेफिनेटली यहाँ पे पावर को जरूर से बोलता भाई बहुत सही, बट अगर पावर बाय स्ट्रीम देख रहे हो भाई बहुत प्यारा मारा है भाई तुमने। अभी तक तो मैं रिजल्ट बना देता, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई अभी तक मैं रिजल्ट बना देता भाई। क्या कर रहे हैं बंदे? हेलो साइको ब्रो। हाँ बोलो जरा रिजल्ट जल्दी देने। हाँ मैं बोलता रहूँ। अरे ब्लैक स्क्रीन क्यों हो जा रही है मेरी बार में? कब से ब्लैक है ये? अभी हो गई। हाँ गेम पे दिखा है भाई। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे रिजल्ट? ब्रो ऑलरेडी 3-4 मिनट हो चुके हैं वही।